नमस्कार, मैं कुशल कुमार, चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज खास होने वाला है। आज का जो प्रश्न है उसके बारे देखते हैं। दोस्तों, तमिलिसाई सुंदराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों तेलंगाना की। ठीक है, तो इसके बारे जानते हैं। तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की उप राज्यपाल। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक एक करके मैं बताऊंगा। तमिलिसाई सुंदराजन ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सुंदराजन ने तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल सुंदराजन जो है तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, देखेंगे एक एक करके। पहला तो देखिए कि तेलंगाना की जो राज्यपाल है, जो हाल ही में वो इस्तीफा दे दी है, उसका नाम क्या हुआ? तमिलिसाई सुंदराजन है। ठीक है, दूसरी बात है कि वो जो है, यानी सुंदराजन जो है वो तो उपराज्यपाल भी रही है पुदुचेरी की, वो उपराज्यपाल के पद पर भी वो रह चुके हैं। ठीक है, यानी दोनों पद से दे दिया, राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों पद से वो इस्तीफा दे दिए हैं। साथ ही देखेंगे दोस्तों, यह जो अपना पद है यानी जो इस्तीफा है वो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है उनको भेज दिया गया है। दोस्तों उसके साथ ही जो है सुंदराजन ने तेलंगाना राज्य की जो है दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया, यानी पहली नहीं दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 8 सितंबर 2000 को पदभार ग्रहण किया था। कब किया गया था? तो 8 सितंबर 2019 को किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों आंसर होगा रतन टाटा को। अब इनके बारे जानते हैं। रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है पीवी नरसिम्हा राव जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री रह चुके थे भारत के, उसके नाम पर यह जो है पुरस्कार रखा गया है। यह अवार्ड किस लिए? सामाजिक और मानवीय कल्याण में समर्पित लोगों को प्रदान किया जाएगा। यह जो है समाज के क्षेत्र में और यह मानव के जो कल्याण के लिए समर्पित रहेगा, जो लोगों को यह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जिसको कहा जाता है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आंसर होगा राहुल सिंह को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति है SEC ने बिहार कैडर के 1996 बैच के जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS जो होता है अधिकारी जो राहुल सिंह की CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह निधि छिब्बर का, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, निधि छिब्बर का स्थान लेंगे जिन्हें नीति आयोग में सलाहकार नामित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्नों से, तो पहला प्रश्न तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, CBSE के जो अध्यक्ष है वो कौन बने? राहुल सिंह। दूसरी बात है कि राहुल सिंह जो है वो किसका स्थान लिए? निधि छिब्बर का स्थान लिए, जो हाल ही में जो फिलहाल अभी नीति आयोग में सलाहकार नामित किया गया है। अगर पूछा जाएगा कि इसके पूर्व जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, CBSE के जो अध्यक्ष रहे हैं निधि छिब्बर, अभी वो किस पद पर
मतलब किस पद पर है, तो आंसर होगा नीति आयोग में सलाहकार के रूप में उसे नामित किया गया है। क्लियर है। और एक जो यहाँ पर पूछा जा, राहुल सिंह क्या थे, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS जो है अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक ही प्रश्न में ये देखेंगे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल को। अब देखते हैं कि जो रिटायर IAS ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल, IAS ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है, और रिटायर हो चुके हैं, को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सहगल ने ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिया। दोस्तों अब यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि जो सहगल है, नवनीत कुमार सहगल, वो किसका स्थान लिए, तो ए सूर्य प्रकाश का, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा। दूसरी बात है दोस्तों, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था, जो ए सूर्य प्रकाश का जो कार्यकाल है फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था, उसके बाद नियुक्त करके जो IAS ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल को जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती भारत की, अब दोस्तों ये प्रसार भारती क्या है उसके बारे जानते हैं। प्रसार भारती जो है भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1997 में की गई थी। दोस्तों अब यहाँ पर एक प्रश्न बना कि प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी, तो 1997 में की गई थी। प्रसार भारती क्या है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विकास संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो दोस्तों आंसर होगा झारखंड में। अब झारखंड में कहाँ पर है उनके बारे में बता रहा हूँ। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कृषि एवं विकास, जो किसान कल्याण मंत्री है दोस्तों अर्जुन मुंडा जो है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में जो वर्चुअल माध्यम से झारखंड के खरसवां जिले, याद रखेंगे दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में है वो जो रखा गया है, वो खरसवां जिले में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र की स्थापना के लिए दोस्तों, ये जो केंद्र है उसकी स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अब पूछा जाए कि जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र में कितने रुपये की जो है, कितने करोड़ रुपये की आवंटित राशि रखी गई है, तो कितना होगा, 10 करोड़ रुपये की। ठीक है, याद रखेंगे, समझ में आ गया। झारखंड के खरसवां जिले में कहां पर रखा गया, तो झारखंड के खरसवां जिले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, WPL जो होता है, के दूसरे सीजन का दूसरा जो हुआ टाइटल, दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता है, तो आंसर होगा दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब देखेंगे नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल, कौन सा टीम को, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला खिताब जीता। यानी जो खिताब जीतने वाले हैं वो पहला खिताब होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो बहुत सारे हैं, यहाँ पर पहला जो दूसरा सीजन का जो टाइटल जीतने वाला टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, अब वो किस टीम को हराया, दिल्ली कैपिटल को हराया। ठीक है, और इस प्रकार से जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का होगा वो अपना पहला खिताब होगा टूर्नामेंट में दोस्तों। अब इसके बाद जो यहाँ पर देखेंगे, जो टूर्नामेंट हुआ उसमें ऑरेंज कैप के रूप में एलिसे एलिसे पेरी को मिला है, आज जो RCB की है, RCB टीम से है, और पर्पल कैप भी श्रेयंका पाटिल जो RCB टीम से है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे जो महिला है प्रीमियर लीग में
पर्पल कप जो है किन्हें मिला है, तो श्रेयंका पाटिल को जो आरसीबी टीम से है। दूसरा है जो ऑरेंज कप किसे मिला, तो एलिस पेरी को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, माजुली मास्क। दोस्तों माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर होगा असम। अब देखेंगे इसके बारे, माजुली राज्य में सदियों से यानी बहुत पहले से कला संस्कृति परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। दोस्तों माजुली राज्य में जो है सदियों से यानी बहुत पहले से कला संस्कृति और परंपरा का जो एक अनूठा भंडार रहा है। इन मुखौटों का उपयोग अक्सर, दोस्तों इस मुखौटा का जो होता है, मुखौटों का जो उपयोग किया जाता है वो कब किया जाता है, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। जीआई टैग जो होता है एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट, दोस्तों जीआई टैग एक स्पेशल टैग होता है जिनका जो उपयोग होता है किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद होते हैं उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है, जो इससे पता चलता है कि वह किस राज्य की है या किस देश की, यह जो है उसको पता करने के लिए जीआई टैग का जो है हम लोग स्पेशल उसका उपयोग किया जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है वो कहाँ के रहने वाले हैं, यानी कहाँ का है, यानी किस देश का है या किस राज्य का है। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों आंसर है ब्रिटेन ने। अब देखेंगे, ब्रिटेन ने हाल ही में अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन LDEW जो है का सफल परीक्षण किया है, जो उल्लेखनीय रूप से कम लागत पर, दोस्तों ये जो ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है इसे बहुत कम लागत में, जो कम लागत पर इसका दुश्मन के जो विमानों और मिसाइलों को रोकने की अपनी क्षमता का जो है प्रदर्शन करता है। दोस्तों इसमें जो कम लागत पर होता है, जो दुश्मन का क्या करेगा, जो विमान होगा या मिसाइलों को रोकने के लिए जो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है, ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड जो एनर्जी वेपन। ठीक है, ये कहाँ पर किया, ब्रिटेन में किया गया है, याद हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्तों आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, तो दोस्तों मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। अब देखेंगे, इस अवसर पर दोस्तों इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, देखिए क्या कहे हैं, मॉरिशस जो विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ आकांक्षी युवाओं के लिए जो सपनों की सीढ़ी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो है जो राष्ट्रपति के द्वारा जो कहा गया कि मॉरिशस विद्यालय जैसे विद्यालय जो होता है वो सिर्फ आकांक्षी युवाओं के सपनों की सीढ़ी नहीं है, वह ऐसे स्थल है जहाँ मानव जाति के भविष्य का निर्माण किया जाता है। दोस्तों वह जो विश्वविद्यालय होता है वहां पर जो मानव जाति का होता है उनके जो भविष्य होता है उनका निर्माण किया जाता है, जो उनके अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, तो मॉरिशस में है, विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। अगर पूछा जाए डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, वह किस विद्यालय से संबंधित है, तो क्या होगा, मॉरिशस विद्यालय से। यानी क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी प्रश्न को एक बार दो बार यानी अनेकों तरह से उसको क्या है
उसको पूछा जा सकता है, अनेकों तरह से उसको टर्न करके आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे पढ़े कि आपको पूरे याद रह जाए, आप जो क्वेश्चन चाहे वो जैसा भी करे उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है जो मैं पिछले क्लास में दिया था, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर लिए हैं, तो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, आपका सही आंसर है या गलत है उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? तो दोस्तों भारत आए को ना भूटान के जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे। देखिए अब एक प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है, पहला तो आपको देखे कि देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर कौन सा आया, तो भूटान देश के, पहला हुआ भूटान देश के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम क्या है, शेरिंग टोबगे, जो गुरुवार को भारत की जो है 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे, भारत के कौन से राज्य पर पहुंचे हैं, तो नई दिल्ली में। इस साल जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद उनकी यह पहली विदेशी यात्रा है। दोस्तों जो शेरिंग टोबगे हैं वह जनवरी माह में वो अपना कार्यभार संभालने के बाद जो है उनकी विदेश यात्रा यानी भारत की जो दौरा है वो पहली दो यात्रा है। इस मुलाकात के दौरान दोस्तों इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने अपनी विशिष्ट द्विपक्षीय मित्रता को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों नेताओं ने मिस हो गया जो भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे और भारत के जो प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी, ये दोनों ने जो दोनों की जो मुलाकात हुई तो दोनों ने आपस में जो वार्तालाप किए है उनमें अपनी जो विशिष्ट द्विपक्षीय मित्रता को यानी और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता को जताई है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे, किस बैंक ने बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आंसर होगा, तो सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि पहले आप लोग जो है 5 तक यानी सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कौन देते हैं। मैं इसका जो है आंसर देने वाले का मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि वो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी है आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली, आप समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे ऐप से भी क्लास कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लास करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।